अगर कोई था तो प्रूफ है ही नहीं कोई मिलिटेंट का वहां पे, आम लोगों को मारा गया वहां, सिविलियंस को मारा, और वहां से गन शॉट हुआ कोई? और वहां से एक भी गन शॉट वापस नहीं हुआ, यहीं से इन्होंने फायरिंग की और आम लोगों को मारा, वहां से वहां पे एक भी मिलिटेंट नहीं था उस वक्त। और उसको पहले मेरे पापा को पहले चढ़ाया है, एक बार चढ़ाया है वापस छोड़ा है, दूसरी बार चढ़ाया है वापस छोड़ा है, तीसरी बार उसको फायरिंग की है और वो पुलिस ऐसे भागे उस बात की, उस बात का मेरा कजन गवाह है। और वहां जो डॉक्टर जो जो शहीद हो गए हैं, जो वहां पे थे, जो गवाह थे उस मौके के, उनको भी शहीद किया गया है। अब मैं आप लोगों को यही एक अपील कर रही हूँ कि प्लीज मेरे पापा की डेड बॉडी वापस कीजिए, वो मान नहीं रहे हैं, वो यहाँ आए उन्होंने नहीं माना हमें डेड बॉडी देना, वो कौन से कसूरवार थे? हम लोग यहाँ पे तीन भाई बहन है, हम लोग क्या करें वहाँ पे? मेरा भाई वो थर्ड में पढ़ता है, वो क्या करेगा? उसको पता भी नहीं है उसको पापा को क्या हुआ है, वो बोल रहे हैं मुझे पापा के पास जाना, उसको क्या हम जवाब दें? तो प्लीज आप हमें डेड बॉडी दीजिए, वो गुनहगार नहीं था, वहाँ मिलिटेंट भी नहीं था, वहाँ सिर्फ तीन लोगों को मारा गया, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे। ये क्या था, ये क्या राज है यहाँ पे? We are proud of our father के वो शहीद और कपड़े भी निकाल के रखे थे उनको, और वो सिर्फ शर्ट में थे उस वक्त, और वो सुबह वो शर्ट लगा के सिर्फ नहीं निकले थे, उनको ऊपर से स्वेटर थी, वहां से जैकेट था, लेकिन उनको वहां कुछ था ही नहीं, कपड़े क्यों निकाल के रखे थे उन लोगों को? मिलिटेंट के बिना वहां मिलिटेंट था भी नहीं, और वहां पे तीन लोगों को मारा गया, उन तीन घर वालों का क्या हाल होगा इस वक्त? इंसानियत होती है एक नाम की, इंसानियत नाम की कोई चीज होती है जो इनमें है नहीं।